जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पाठशाला भाई मोहित कुमार। देखिए, सीबीएसई क्लास 11 फिजिक्स के सिलेबस की बात करें 2022 से 23 के लिए, तो काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर जो है आप टॉपिक वाइज ठीक है टिक लगवा दीजिए, टॉपिक वाइज जो है बुक में मार्क करवा दीजिए कौन सा चैप्टर डिलीटेड है, कौन से किस चैप्टर में क्या क्या डिलीटेड है, कौन सा चैप्टर फुल डिलीटेड है और कौन सा चैप्टर फुल आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की जो है फिजिक्स की बुक ओपन कर लेना है, क्लास 11 फिजिक्स की, ठीक है। पार्ट फर्स्ट है ये, यहाँ पे आप देख रहे होंगे पार्ट फर्स्ट लिखा है, ठीक है, ये पार्ट फर्स्ट है। तो पार्ट फर्स्ट आपको ओपन करना है, ठीक है। और जो मैं बताते जा रहा हूँ आपको क्या करना है, पेंसिल और लेकर बैठ जाना है। जहाँ पे बताऊंगा जिस चैप्टर को बताऊंगा फुल आ रहा है उस चैप्टर को फुल टिक करना है, और जिस चैप्टर को बताऊंगा डिलीटेड है उसको डिलीटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर है फिजिकल वर्ड। फिजिकल वर्ड जो है आपको देख रहे होगे ये चैप्टर है, ये चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं आ रहा है, ये चैप्टर फुली डिलीटेड है, चैप्टर फर्स्ट है, पेज नंबर आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा, चैप्टर फर्स्ट डिलीटेड है। इसके बाद जाना है आपको चैप्टर सेकंड पे, तो चैप्टर सेकंड आपको कहाँ मिलेगा, तो चैप्टर सेकंड आप जाएंगे पेज नंबर 16 पे। पेज नंबर जब 16 पे जाएंगे तो ठीक है स्टूडेंट आपको मिलेगा चैप्टर सेकंड। देखो चैप्टर टू लिखा है, ये चैप्टर आपके सिलेबस में आ रहा है बट इसमें डिलीटेड क्या चीज़ है, तो डिलीटेड आपको बता रहा हूँ इस चैप्टर से डिलीटेड जो चीज़ बताई गई डिलीट की गई, ठीक। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये चीज क्या है, डिलीटेड है, इसको क्रॉस कर देना, ये आपके सिलेबस में नहीं आ रहा है, पहले से टिक रहा है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ जब डिलीटेड है तो उससे रिलेटेड जो है मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, ये भी चीज डिलीटेड हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद इससे रिलेटेड जो भी डेरिवेशन और प्रूफ है आप देख रहे होंगे, ये वाला डायग्राम से ये सब चीजें, और ये सब चीजें क्या है डिलीटेड है, ठीक। इसके बाद क्या डिलीटेड है आपको जाना है यहीं पे, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ मास यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है, ये पेज नंबर आपको मिल जाएगा 21 पे, ये डिलीटेड है, ये मेजरमेंट ऑफ मास आप जो है आपसे डिलीटेड है, इसको क्रॉस कर देना है, सिलेबस में नहीं है। इससे रिलेटेड जो रेंज ऑफ मास ये भी क्रॉस कर देना है, ये भी नहीं डिलीटेड है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ टाइम, मेजरमेंट ऑफ टाइम यहाँ पे देखने को पा रहे होंगे, यहाँ पे देख रहे हो क्रॉस लगा है पहले से ही, तो ये चीज़ क्या है आप डिलीटेड है, आपके सिलेबस में नहीं आ रही। फिर यहाँ पे आपको देख रहे होंगे एक्यूरेसी प्रीसियस इंस्ट्रूमेंट एंड एरर इन मेजरमेंट, एक्यूरेसी प्रीसियस इंस्ट्रूमेंट एंड एरर इन मेजरमेंट ये भी डिलीटेड है, आपके सिलेबस में नहीं है। मीन्स इससे रिलेटेड क्या है सिस्टम ऑफ एरर्स, ये भी डिलीटेड है, ये जो चीज़ें हैं आपको क्रॉस कर देना, फुली क्रॉस कर देना है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। यहाँ पे जाएंगे तो ये जो सब देखने को मिल रहा है आपको लास्ट एरर काउंट, ये सब पूरा पेज क्रॉस कर देना है, यहाँ पे ये सब क्रॉस लगा देना, ये आपके सिलेबस में नहीं है। इसके बाद आपको ठीक है यहाँ पे सब क्रॉस कर देना है, आपको यहाँ से स्टार्टिंग करना सिग्निफिकेंट, ये आपके सिलेबस से यहाँ से स्टार्ट हो, इससे पहले तक जो भी है सब डिलीटेड है, ठीक है। तो इसको क्रॉस लगा देना, इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं एरर उरर से रिलेटेड ये भी क्रॉस कर देना। इसके बाद जाना चैप्टर थर्ड, चैप्टर थर्ड आपका नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, आपको ये पेज नंबर मिल जाएगा 39 पे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन ये आपके सिलेबस में आ रहा है, ठीक है, ये चैप्टर है। इसमें डिलीटेड आपको बता दें तो इसमें ज़्यादा डिलीटेड नहीं है, आपको जाना है तो इसमें डिलीट क्या किया गया, पेज नंबर जाएंगे तो पेज नंबर जाएंगे एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड, ये डिलीटेड है, आपके सिलेबस में नहीं है, स्पीड वेलोसिटी डिलीटेड है, ठीक है, बस इस चैप्टर से यही डिलीटेड है। ये पेज नंबर आपको 42 पे मिल जाएगा, पेज नंबर जब 42 पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये चीज़ें डिलीटेड है इस चैप्टर से, चैप्टर थर्ड से बस इतना डिलीटेड, बाकी चैप्टर आपका सिलेबस में आ रहा है, ठीक है। तो क्या करना, इसके बाद चैप्टर फोर पे जाना है, सीधे चैप्टर फोर पेज नंबर आपको जाना है 65, पेज नंबर 65 पे जाएंगे तो चैप्टर फोर मिलेगा मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन इस चैप्टर आपके सिलेबस में आ रहा है, इस चैप्टर से डिलीटेड आपको बता रहे हैं क्या डिलीट किया गया है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमने इससे पहले मैथ्स के चैप्टर वाइज आपको बुक में मार्क करवाया है, आपने अगर अभी नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर मैथ्स में टिक करवा, केमिस्ट्री की भी अपलोड हो जाएगी वीडियो, तो अगर जो भी, और बाकी आपको अगर आर डी शर्मा पढ़ना है मैथ्स की क्लास 11th में 0 to 0 लेवल की, तो आप चैनल पर जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके में जाना है, आपको बताया चैप्टर क्या है, चैप्टर 4 है मोशन इन अ प्लेन, इसमें डिलीटेड क्या चीज़ है, तो आपको पेज नंबर जाना है 76, पेज नंबर जाएंगे 76, यहाँ पे 76 लिखा है, ठीक है, पेज नंबर जब 76 पे जाएंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी, ये चीज इस चैप्टर से डिलीटेड है, बस इतना ही डिलीटेड है, रिलेटिव वेलोसिटी को आपको क्या कर देना है, क्रॉस कर देना, ये इस चैप्टर से डिलीटेड है चैप्टर 4 से, ठीक है। हमारे चैनल पे आर डी शर्मा 0 to 0 लेवल की आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है, अगर आप आर डी शर्मा क्लास 11 में पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैप्टर 5 लॉ ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन, ये चैप्टर फुल आ रहा है, इसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं, चैप्टर 5 फुली चैप्टर आपके सिलेबस में है, इसको डिलीट कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद चैप्टर 6 पे जाना है आपको, चैप्टर 6 पे जाएंगे तो पेज नंबर आपको जाना है, पेज नंबर मिलेगा ये 114 पे, पेज नंबर 114 पे मिलेगा चैप्टर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर, ये चैप्टर आपके सिलेबस में है,
बट इससे डिलीटेड आपको बता रहे हैं क्या डिलीट कर दिया गया है इस चैप्टर से। तो इसमें आपको जाना है पेज नंबर 121 पे। जब पेज नंबर 121 पे पहुंचेंगे, यहाँ पे पेज नंबर 121 पे इसी चैप्टर में, तो आपको यहाँ पे देखने को मिला द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये सिलेबस से आपके है क्या है डिलीटेड है, इसको क्रॉस कर देना, ये आपके सिलेबस में नहीं है। इस चैप्टर से यही डिलीटेड चीज है, लॉ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी डिलीटेड है। इसके बाद जाना चैप्टर सेवन, चैप्टर सेवन है आपका, चैप्टर सेवन क्या नाम है, ठीक है, चैप्टर सेवन है सिस्टम पार्टिकल ऑफ रोटेशनल मोमेंटम, ठीक है, सॉरी सिस्टम पार्टिकल ऑफ रोटेशनल मोशन चैप्टर सेवन है, ठीक है। इस चैप्टर में क्या क्या डिलीटेड है, आपको ये पेज नंबर मिल जाएगा, पेज नंबर 141 पे जाना है तो आपको ये चैप्टर मिल जाएगा, ठीक है। इस चैप्टर से जो डिलीटेड है वो आपको बता रहे हैं, ठीक है। इस चैप्टर से काफ़ी डिलीटेड कुछ चीज़ें हैं, बट आपको डेरिवेशन काफ़ी नहीं आ रहे हैं इस बार, ठीक है। तो आपको जाना है पेज नंबर चले जाइए स्टूडेंट, पेज नंबर जाना 164 पे, 164 पे यहाँ पे देख रहे हो मोमेंट ऑफ इनर्सिया, 163 पे मोमेंट ऑफ इनर्सिया, मोमेंट ऑफ इनर्सिया आ रहा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये सब डायग्राम्स बने, इनके डेरिवेशन इस बार नहीं आ रहे हैं, आपको प्रूफ मतलब डेरिवेशन नहीं करना, इनका फार्मूला आपको याद रखना, इन पर न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा, बाकी इस चैप्टर से मतलब इनके डेरिवेशन नहीं आ रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। फिर थ्योरम परपेंडिकुलर एक्सिस ये क्रॉस कर देना, थ्योरम परपेंडिकुलर एक्सिस इस चैप्टर से क्रॉस कर देना है, और क्या करना है इस चैप्टर से क्रॉस, थ्योरम पैरेलल एक्सिस यहाँ पे देख रहे होंगे, थ्योरम पैरेलल एक्सिस ये क्रॉस कर देना, इसको क्रॉस कर देना, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इस चैप्टर से यही डिलीटेड है। इसके बाद आपको जाना है चैप्टर एट ग्रेविटेशन, चैप्टर एट जाएंगे तो ग्रेविटेशन मिलेगा, तो इसमें क्या चैप्टर एट आपको पेज नंबर मिलेगा, पेज नंबर चाहेंगे 183 पे, तो चैप्टर ठीक है एट मिलेगा ग्रेविटेशन। इससे डिलीटेड क्या चीज़ है, तो इसे आपको जियो सेटेलाइट, ठीक है, आपको पेज नंबर जाना है, आपको बता रहे हैं पेज नंबर कितने पेज नंबर पर पड़ेगी जियो सेटेलाइट, जियो सैटेलाइट आपके क्या है सिलेबस से डिलीटेड है, आपको जियो सैटेलाइट यहां पे मिलेगा, पेज नंबर जाना है 196 पे, पेज नंबर 196 पे यहां पे देख रहे होंगे, पेज नंबर 196 पे यहां पे जियो सैटेलाइट, इसको क्रॉस कर देना है पोलर सैटेलाइट, जियो सैटेलाइट और पोलर सैटेलाइट, ये आपको क्रॉस कर देना, ये नहीं आ रहा। तो ये चैप्टर फर्स्ट की बुक, फर्स्ट बुक थी, अब सेकंड बुक में आपको बता रहे हैं, ठीक है, अभी चैप्टर बाकी है, सेकंड बुक आपको लेना है, सेकंड बुक ओपन कर लीजिए, सेकंड बुक ये सेकंड बुक है, आपको यहाँ पे लिखा सेकंड पार्ट फिजिक्स का, तो इसमें चैप्टर नाइन से स्टार्टिंग है, चैप्टर नाइन जो है आपका यहाँ से स्टार्ट है, तो इसमें डिलीटेड क्या है, चैप्टर नाइन है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ये चैप्टर आपके सिलेबस में है, बट इससे डिलीटेड क्या है, पेज नंबर आपको जाना है, पेज नंबर जब जाएंगे आप 242 पे, पेज नंबर 242 पे, तो आपको मिलेगा सीयर मॉड्यूल्स, सीयर मॉड्यूल्स, ठीक है, यहाँ पे देखने को मिला सीयर मॉड्यूलस, इसको क्रॉस कर देना, ये चैप्टर से आपके डिलीटेड है, ठीक है, सीयर मॉड्यूलस। इसके बाद आपको चैप्टर 10 पे जाना है स्टूडेंट, चैप्टर 10 है, ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ये चैप्टर आपके सिलेबस में फुल आ रहा है, इसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं, चैप्टर ठीक है 10 से फुल आ रहा है आपके सिलेबस में, इसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं है। इसके बाद जाना है चैप्टर 11 पे, चैप्टर 11 पर जाएंगे जब, चैप्टर 11 ठीक है, ये पेज नंबर मिल जाएगा 278 पे, तो चैप्टर 11 है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसमें क्या क्या डिलीटेड है तो मैं आपको बता रहा हूँ, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो आपको जाना है पेज नंबर, ठीक है, मैंने पहले से ग्रीन हाउस इफेक्ट, पेज नंबर जाएंगे आप 295 पे, 295 पे पेज नंबर इसी चैप्टर में जाना है, तो आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट मिलेगा, ये क्रॉस कर देना, ये आपके सिलेबस से डिलीटेड है ग्रीन हाउस इफेक्ट, इस चैप्टर से यही डिलीटेड है ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसके बाद जाना है चैप्टर 12 पे, चैप्टर 12 है आपको पेज नंबर मिलेगा 303 पे, 303 पे चैप्टर 12 मिलेगा, नाम है थर्मोडायनामिक्स, ये चैप्टर आपके सिलेबस में आ रहा है, बट इससे डिलीटेड क्या चीज है मैं आपको बता रहा हूँ। पेज नंबर जाएंगे स्टूडेंट, पेज नंबर देखिए 313, यहाँ पे 313 लिखा है, तो यहाँ पे हीट इंजन, हीट इंजन ये आपके सिलेबस से नहीं आ रहा है, क्रॉस कर देना है। हीट इंजन के बाद रेफ्रिजरेटर, ये भी क्रॉस कर देना है, ये भी आपके सिलेबस में है, इस चैप्टर से यही डिलीटेड है, ठीक है, इस चैप्टर से यही डिलीट। उसके बाद जाना है नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर क्या जाना है आपको,
काइनेटिक थ्योरी चैप्टर 13 काइनेटिक थ्योरी, यहाँ पे लिखा फुल, मीन्स ये आपके सिलेबस में फुली चैप्टर आ रहा है, इसमें से कुछ भी डिलीटेड नहीं। इस चैप्टर को आपको कंप्लीटली पढ़ना है, चैप्टर 13 को काइनेटिक थ्योरी। इसके बाद आप चैप्टर 14 पे जाना है, ऑसिलेशन, ऑसिलेशन पेज नंबर जाना है आपको 341 पे, पेज नंबर 341 पे जाएंगे तो आपको चैप्टर मिलेगा 14 ऑसिलेशन। ये चैप्टर आपके सिलेबस में आ रहा है, बट इससे डिलीटेड बता रहा हूँ क्या डिलीट है इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर में डिलीटेड जो चीज़ है आपको जाना है, पेज नंबर जाना है 355 पे, पेज नंबर 355 पे जाना है। तो डैम्स सिंपल हार्मोनिक मोशन, डैम्स सिंपल हार्मोनिक मोशन इसको क्रॉस कर देना, ये नहीं सिलेबस में है। इसके बाद जाना है, ठीक है, 357 पे देख रहे होंगे आप, 357 है लिखा फोर्स ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस, ये भी क्रॉस कर देना, ये भी आपके सिलेबस में नहीं, ये चीज़ डिलीटेड है इस चैप्टर से। इसके बाद जाना लास्ट चैप्टर है आपका, ठीक है, वेव्स, लास्ट चैप्टर है आपका वेव्स, और वेव्स से क्या डिलीटेड है आपको बता रहे हैं। वेव मिलेगा पेज नंबर आपको, पेज नंबर जाना है 367 पे, पेज नंबर 367 पे जाना है तो वेव्स मिलेगा। ये चैप्टर आपके सिलेबस में है बट इसका मेजर पार्ट डिलीटेड है, डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट। तो आपको जाना है पेज नंबर, पेज नंबर जाएंगे आप किस पेज नंबर पे, 384 पे। जब 384 पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा डॉपलर इफेक्ट, ये डॉपलर इफेक्ट लिखा है, इसको क्या कर देना है, क्रॉस कर देना है, ये आपके सिलेबस में नहीं। इससे रिलेटेड जो भी है आपको क्रॉस कर देना है, इसके आगे का जो भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि ना इसका प्रूफ ना इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको पढ़ने हैं, आप ध्यान रखना डॉपलर इफेक्ट में, ठीक है, क्रॉस कर देना, नहीं पढ़ना है। ठीक, इस चैप्टर से इतना ही डिलीटेड है और बाकी सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके। तो ये फिजिक्स का चैप्टर आपने क्या कर दिया, चैप्टर वाइज मार्क करवा दिया। आप केमिस्ट्री भी अपलोड हो जाएगी, मैथ्स की अपलोड हो चुकी है, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।